हेलो, आज के इस लेक्चर में हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे, उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर आगे के लेक्चर्स में हम दो दो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को समझने से पहले, यानी व्यक्तित्व विकारों को जानने से पहले, एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं पर्सनैलिटी की या व्यक्तित्व की। एक बहुत फेमस डेफिनेशन जो गॉर्डन ऑलपोर्ट द्वारा दी गई थी 1961 में, वो है कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट। यानी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है चीजों का, व्यक्ति के अंदर किन चीजों का, वैसे साइकोफिजिकल सिस्टम्स का, मतलब मनोशारीरिक सिस्टम्स का एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है व्यक्ति के अंदर, जो कि उसके चारित्रिक व्यवहार व सोच को निर्धारित करते हैं। उसी को कहते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी शब्द परसोना से आया है। परसोना यानी मास्क, मुखौटा, कि व्यक्ति दूसरे को कैसा दिखता है, वही चीज है पर्सनालिटी। व्यक्तित्व यानी वो व्यक्ति दूसरे को किस तरह से नजर आता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को पहले के समय में जो मनोगत्यात्मक सिद्धांतकार थे, तो उन्होंने इसको कैरेक्टर डिसऑर्डर का नाम दिया हुआ था। जिन लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यानी व्यक्तित्व विकार होता है, ऐसे लोगों के व्यवहार को दूसरे लोग बड़ा कंफ्यूजिंग समझते हैं, थोड़ा अजीब उन्हें महसूस होता है इनके व्यवहार के लिए, मतलब अप्रत्याशित व्यवहार इनका होता है और नागवार गुजरता है लोगों को। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको दिखाई देंगे, वो है क्रॉनिक इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, लंबे समय से चली आ रही अंतरवैयक्तिक समस्याएं, प्रॉब्लम्स विथ वंसेस आइडेंटिटी और सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी खुद की स्वयं की पहचान से भी संबंधित इन्हें समस्याएं होती हैं। इन्हें स्वयं का एहसास या स्वयं का भान जो है, उससे संबंधित समस्याएं होती हैं। इनको इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट जानकारी नहीं होती, बहुत ही स्पष्ट विचार या समझ नहीं होती है कि वे स्वयं कौन हैं, उनकी क्या पहचान है। इनफ्लेक्सिबल, परवेसिव, स्टेबल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले व्यक्तियों को उनका व्यवहार का आप तरीका अगर देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, तो पता चलेगा कि उसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं है। व्यवहार को ये परिस्थितियों के हिसाब से ढालते नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इनके व्यवहार में बिल्कुल लचीलापन नहीं दिखेगा। ये व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा होगा, स्थिर किस्म का होगा और एक तरह से परवेसिव होगा। परवेसिव मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में इसका असर आपको दिखेगा, इसकी छाप मिलेगी। मतलब अलग अलग परिस्थितियों में इनका व्यवहार अलग हो, घर पर अलग हो, कार्यक्षेत्र में अलग हो, ऐसा नहीं है। उसी तरह का व्यवहार जिसमें लचीलापन नहीं है, जिसमें परेशानियां हैं, बहुत स्थिर तरह का चीज है, वो हर ही क्षेत्र में दिखाई देगा। ये जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत आ रही है व्यवहार जिस तरह का है उसकी वजह से, ये तभी माना जाएगा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तौर पे अगर इसकी वजह से दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में काफी समस्या आ रही हो, काफी इंपेयरमेंट हो या सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो। और ऐसा कम से कम इन दो एरिया में होना चाहिए, कॉग्निशन के क्षेत्र में यानी संज्ञान के क्षेत्र में, एफेक्टिविटी यानी भावनात्मकता के क्षेत्र में, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग अंतरवैयक्तिक क्रियाकलापों में, या इंपल्स कंट्रोल में, आवेग पर नियंत्रण रखने में। इन दो एरिया में से, इन चार एरिया में से सॉरी, किन्हीं दो एरिया में कम से कम अगर दिक्कतें आ रही हों, तो फिर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आएगा। और फाइनली, नॉट बेटर एक्सप्लेन बाई अनदर डिसऑर्डर और जनरल मेडिकल कंडीशन। किसी और मेडिकल समस्या के द्वारा ये लक्षण एक्सप्लेन न हो रहे हो, तब हम कहेंगे कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आमतौर पर किसी बीती घटना में जो तनाव मिला था, जो स्ट्रेस हुआ था उसकी वजह से, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया की वजह से नहीं जन्म लेता है, जैसा कि अक्सर
पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेशन में देखा जाता है कि किसी तनावपूर्ण घटना के घटने से उसकी वजह से इस तरह की प्रतिक्रिया होती है या ये विकार जन्म लेते हैं। ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ आमतौर पर नहीं होता है, बल्कि ये डिसऑर्डर कैसे जन्म लेते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे इस तरह के व्यवहार का पैटर्न डेवलप हो जाता है जिसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं है और विकृत तरह का व्यक्तित्व पनपने लगता है, जिससे कि प्रत्यक्षीकरण करने में, चीजों के बारे में सोचने में, दुनिया से खुद को लिंक करने में, जोड़ने में कई तरह की समस्याएं और बाधाएं पैदा होने लगती हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मेंटल रिटार्डेशन के साथ DSM के एक्सेस 2 पर पाया जाता है। बाकी सारे मनोविकार जो हैं वो एक्सेस 1 पर मिलेंगे। एक्सेस 2 पर सिर्फ दो मनोविकार मिलते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन। पर देखा गया है कि एक्सेस 2 का ये डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी व्यक्तित्व विकार, अक्सर कई सारे वैसे विकारों के साथ मौजूद मिलता है जो कि एक्सेस 1 पर आते हैं, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी दुश्चिंता विकार, सब्सटेंस अब्यूज जहां ड्रग्स का अब्यूज लोग ज्यादा करते हैं, इस तरह की कोई समस्या जैसे अफीम का नशा, चरस गांजे का नशा, शराब की लत, इस तरह की चीजें, मूड डिसऑर्डर और कुछ और तरह की भी समस्याएं। देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में व्यक्तित्व विकार होते हैं उनमें से 3/4 लोगों में कम से कम एक दूसरा बीमारी, एक दूसरा विकार जो कि एक्सेस 1 डिसऑर्डर होता है पाया जाता है। व्यक्तित्व विकारों का पता लगाने में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ जटिलताएं आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं। ये शायद ऐसी कैटेगरी है मानसिक विकारों की जिसमें सबसे ज्यादा मिसडायग्नोसिस होता है, यानी गलत डायग्नोसिस हो जाता है। परेशानी कुछ और रहती है लेकिन गलत डायग्नोसिस हो जाता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, या जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसका डायग्नोसिस होने के बजाय कोई और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाता है। कारण क्या है, क्यों आखिर इतना मुश्किल है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का पता लगाना? तो कारण कुछ ये है। पहला है कि डायग्नोसिस के लिए जो क्राइटेरिया है, जो शर्तें हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, वो उतनी क्लियर कट नहीं डिफाइंड है जैसे कि एक्सेस 1 के विकारों के लिए है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, सिज़ोफ्रेनिया, इन सब के लिए जो क्राइटेरिया बने हैं वो चीजें क्लियर कट बताई गई हैं कि क्या क्या लक्षण दिखेंगे तो हमें मानना है कि वो बीमारियां हैं, वैसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए व्यवहारिक तौर पे इन क्राइटेरिया को फॉलो करके डायग्नोसिस कर पाना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का काफी मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अगर बात करें तो इसमें एक क्राइटेरिया मिलता है कि अ पर्सन गोज ऑन टू एक्सेसिव लेंथ्स टू ऑब्टेन नर्चरेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यानी व्यक्ति दूसरे लोगों से पालन पोषण या सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा ही हद तक जाता है। एक और क्राइटेरिया इसमें है, हैज डिफिकल्टी मेकिंग एवरीडे डिसीजंस विदाउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एडवाइस एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम अदर्स, यानी दैनिक जीवन के छोटे छोटे फैसले लेने में भी उसे हद से ज्यादा सलाह और दूसरे लोगों से लेनी पड़ती है। अब यहां आप देखिए कि ये बहुत क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है। हद से ज्यादा को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? एक व्यक्ति हद से ज्यादा का कुछ और अर्थ लगा सकता है, दूसरा हद से ज्यादा कुछ और समझ सकता है। तो ये कोई ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ क्राइटेरिया नहीं हुआ। हद से ज्यादा कितना माना जाए, हद से ज्यादा एडवाइस लेता है या सपोर्ट चाहता है दूसरों से, ये हद से ज्यादा किसको कहा जाए, कितना कोई एडवाइस या सपोर्ट लेगा जिसे हम कहेंगे कि अब ये हद से ज्यादा हो रहा है, तो ये तो अपनी व्यक्तिगत समझ की चीज है। इसी वजह से डायग्नोसिस करने में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का काफी दिक्कतें आती हैं। दूसरा फैक्टर जो है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है, जो कैटेगरीज बनी हुई है डायग्नोसिस की, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी DSM-4-TR में देखें या DSM-5 में भी ये 10 कैटेगरी मिलती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, तो ये 10 डिसऑर्डर्स जो है ये बिल्कुल एक दूसरे से, इनका क्राइटेरिया अलग अलग नहीं है, काफी मिलता जुलता सा है, काफी सिमिलर भी है, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि लक्षण 2 या 3 डिसऑर्डर्स के आपको लगेंगे कि मिल रहे हैं तो कौन सा वाला डिसऑर्डर है, ये समझना मुश्किल है।
और ये परेशानी और जटिल तब हो जाती है जबकि हम पाते हैं कि अक्सर व्यक्ति को एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो दूसरे या तीसरे के भी लक्षण होते ही हैं। एक साथ दो या उससे अधिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मिलना एक व्यक्ति में कोई खास बात या कोई एक्सेप्शन हो ऐसा नहीं है, आमतौर पे ये देखा जा सकता है। तो ये चीजें और जटिल हो जाती हैं, पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि कोई लक्षण जो दिख रहा है वो किस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है, क्योंकि वो लक्षण दो तीन अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कैटेगरी में आपको मिलेगा। तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किस कैटेगरी में रखा जाए, कौन सा वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति को है। व्यक्तित्व विकारों के कारण क्या हैं, इनका अध्ययन करने में भी काफी समस्याएं आती हैं। और कारण ये है समस्याओं का कि पहली बात कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में बहुत ज्यादा कोमॉर्बिडिटी मिलती है। कोमॉर्बिडिटी यानी एक से ज्यादा बीमारियों का होना। तो आप पाएंगे कि 85% वैसे मरीज जिनमें कोई एक व्यक्तित्व विकार पाया गया हो उनमें जरूर कुछ लक्षण मिलेंगे, कम से कम एक और व्यक्तित्व विकार के, और ज्यादातर लोग में तो दो से अधिक ही मिलते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कोमॉर्बिडिटी पाई जाती है जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है पता करना कि कारण क्या है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक बीमारियां हैं तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या कारक है जिसकी वजह से ये बीमारी हुई, क्योंकि एक बीमारी नहीं है, उसको तीन चार अलग बीमारियां हैं। तो कोई कारण अगर समझ में भी आता है बीमारी का तो वो किस बीमारी का कारण है ये नहीं पकड़ में आएगा। और क्योंकि कोमॉर्बिडिटी इसमें बहुत ज्यादा है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, तो उसका कारण पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिव स्टडीज की बहुत ज्यादा कमी है। ज्यादातर रिसर्च जो किए गए हैं वो वैसे लोगों पर जिनमें कोई ना कोई व्यक्तित्व विकार पाया जा चुका है, उसकी डायग्नोसिस हो चुकी है, और कुछ केसेस में ऐसे व्यक्तियों का हम रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉल लेते हैं, यानी उनका पास्ट क्या रहा है, उनके अतीत के बारे में उनसे जानकारियां हासिल करते हैं, पूछते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये पता करने के उद्देश्य से कि क्या पास्ट में हुआ है, क्या कारण रहा हो सकता है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने का। पर क्योंकि हम व्यक्तियों से पूछ रहे हैं तो उनकी मेमोरी कैसी है, क्या वो सही चीज याद कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हर चीज उन्हें सही प्रकार से याद आ रही है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स काफी इसमें रोल प्ले करेंगे, तो सही जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी कुछ अध्ययन जो होते हैं वो एक बार व्यक्ति को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया तो अब उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं कैसी हैं, भावनात्मक क्षमताएं कैसी हैं और अंतर्वैयक्तिक क्रियाकलाप कैसे हैं, उन चीजों का अध्ययन करती हैं। तो इनसे कॉजेस का पता नहीं चल पाता कि क्या कारण थे, क्या चीजें पहले घटित हुई जिनके चलते, जिनके परिणाम स्वरूप आगे जाके व्यक्तित्व विकार हो गया व्यक्ति को। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज की कमी होना एक बड़ा बड़ा कारण है इसमें। किसी भी बीमारी का कारण जानने के लिए शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोस्पेक्टिव स्टडीज में ही होता है। ऐसा इसलिए कि प्रोस्पेक्टिव स्टडीज में लोगों के एक समूह पर अध्ययन करना शुरू किया जाता है उस समय जबकि उनमें किसी बीमारी के लक्षण अभी नहीं आए हैं, और उन्हें समय में अलग अलग टाइम पर अध्ययन करते जाया जाता है, और एक समय बाद जब जाकर उनमें किसी बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ने शुरू होते हैं तो फिर उससे हमें अंदाजा लगता है कि उन दो पांच व्यक्तियों में या जितने भी व्यक्तियों में कोई एक निश्चित विकार का डायग्नोसिस हुआ, जैसे मान लीजिए पता चला कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इन चार व्यक्तियों में, तो उन व्यक्तियों के इतिहास में हम झांक कर देखते हैं जो अभी तक हम उनकी लाइफ का अध्ययन कर रहे थे शुरुआत से, कि क्या वो कारक हैं जो इन सभी चार पांच केसेस में कॉमन मिल रहे हैं, क्या कुछ ऐसे कारक हैं। अगर इस तरह के कारक हैं तो हमें कुछ कॉन्फिडेंस आ पाता है, या शोधकर्ताओं को कुछ कॉन्फिडेंस आ पाता है कि यही कारक होगा इस बीमारी के पीछे। तो इसलिए अगर कॉज जानना है किसी प्रॉब्लम का, किसी मानसिक विकार का, तो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज की बहुत जरूरत है जिसकी भारी कमी है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के एरिया में। तो कॉजल फैक्टर्स जो अभी तक अंदाजा लगाए गए हैं कुछ
बाकी अध्ययनों के आधार पर कि क्या क्या कारक हो सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बीच, उनमें कुछ है। पहला, रोल ऑफ जेनेटिक एंड टेम्परामेंटल फैक्टर्स, मतलब अनुवांशिकता किसी प्रकार की, जीन्स का कुछ रोल या टेम्परामेंट व्यक्ति का कैसा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो बचपन के समय में बहुत ही शर्मीले स्वभाव का था, सोशली इनहिबिटेड था, मतलब लोगों से बहुत घुलना मिलना सामाजिक तौर पे उसे नहीं पसंद था, या नेगेटिव इमोशनैलिटी का था, नकारात्मक भावना ज्यादा रखता था, इसी तरह से बहुत सक्रिय व्यक्ति अगर नहीं था, लो एक्टिविटी लेवल उसका था बचपन में, तो ये सारे कुछ कारक हो सकते हैं जो आगे चल के व्यक्तित्व विकार को जन्म दे। दूसरा, रोल ऑफ डिस्टर्ब्ड पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट, बच्चे का अपने अभिभावकों से, माता पिता से जो अटैचमेंट है वो सही तरीके का नहीं होना, या पेरेंट्स में किसी तरह का विकार होना, कोई पैथोलॉजी, कोई बीमारी होना, या इनएफेक्टिव पेरेंटिंग, मतलब उन्होंने जो पालन पोषण बच्चे का किया है अभिभावक के तौर पे, उन्होंने सही प्रकार से उसको नहीं किया, तो ये सब भी कुछ कारक हो सकते हैं। रोल ऑफ अर्ली इमोशनल फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, जिस व्यक्ति में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मिला है उसमें शुरुआती समय में भावनात्मक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, उनका कुछ लैंगिक शोषण हुआ हो, ऐसा कारक हो सकते हैं, ये सब कारक बन सकते हैं आगे चल के व्यक्तित्व विकार का विकास होने में। चौथा फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जैसे कुछ सोशल स्ट्रेसर्स, समाज में कुछ तनाव, इस तरह की चीजें, सामाजिक परिवर्तन या कुछ सांस्कृतिक मूल्य, कुछ कल्चरल वैल्यूज, इनका भी कुछ रोल हो सकता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में। DSM-4-TR और DSM-5 दोनों में ही आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को तीन कैटेगरीज में या तीन क्लस्टर्स में बांटा गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में तीन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, क्लस्टर बी में चार और क्लस्टर सी में तीन, यानी टोटल 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इसके अतिरिक्त दो और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेसिव और पैसिव एग्रेसिव, लेकिन ये DSM-4-TR में अपेंडिक्स में रखे गए हैं, यानी ये फुल फ्लेज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स नहीं माने जाते हैं, ये अलग कैटेगरी है, तो इन्हें मतलब ये एक्स्ट्रा है डिसऑर्डर्स जो रखे गए हैं, इन्हें तीन क्लस्टर्स में डिवाइड नहीं किया गया है। तीनों क्लस्टर्स में जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो टोटल मिलाकर 10 हैं। क्लस्टर ए में आते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये तीनों डिसऑर्डर्स जो क्लस्टर ए में रखे गए हैं, इनमें समानता ये है कि जिन लोगों में ये डिसऑर्डर्स होते हैं वे अजीब लगते हैं, सनकी किस्म के लगते हैं, उनका व्यवहार थोड़ा असामान्य होता है, जो कि दूसरों पे भरोसा न करने, बहुत ज्यादा शक करने और सामाजिक रूप से पृथक रहने, अलग थलग रहने में दिखाई देता है। क्लस्टर बी में चार डिसऑर्डर्स हैं, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन चारों में समानता ये है कि जिन लोगों में क्लस्टर बी वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उन लोगों में ड्रामेटिक होने की, यानी बहुत नाटकीय अंदाज रखने के लक्षण होते हैं, ये बहुत भावनात्मक भी होते हैं पर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, अस्थिर किस्म के होते हैं। क्लस्टर सी में आते हैं तीन डिसऑर्डर्स, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन तीनों में समानता ये है कि जिन लोगों में ये डिसऑर्डर्स होते हैं वो चिंता से भरे हुए, काफी एंशियस और डरे हुए, फियरफुल दिखाई देते हैं। आगे के लेक्चर्स में, क्योंकि ये 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो हम आगे के 5 लेक्चर्स में दो दो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शुरुआत से लेते हुए कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरानॉइड और स्किजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। धन्यवाद।